फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चना की सब्जी, पर ये मैंने अंकुरित किए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने दो दिन कॉटन के कपड़े में इसे बांध के रखा था, तो इस तरह से ये हो गए। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक और हल्दी। अभी लेते हैं कुकर। कुकर में इसे डाल दिया है, डालते हैं एक गिलास जितना पानी और इसे करते हैं कवर। और इसे हम बना करते हैं चार विसल। चार विसल में अच्छी तरह से पक जाएगा। अभी कुकर हमने रख दिया है, तो चार विसल हो जाने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद मैं वापस आपको फिर से बताऊंगी। अभी हमारे चने अच्छी तरह से सिक गए हैं, देखिए बढ़िया तरीके से हो गए बॉईल। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी गैस पे हमने पैन रख दिया है, इसमें डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। साथ में डालते हैं आधा टीस्पून जितना जीरा और एक तेज पत्ता, साथ में एक सूखी लाल मिर्च, इसको हम तोड़ के डालेंगे। जीरा हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, तो एक मैंने प्याज लिया है, इससे हमें पेस्ट बना दिया। इसे हम चला लेंगे। अभी प्याज का कलर चेंज हो गया है, देखिए। तो हम इसमें मसाला डालते हैं। इस तरह से हमने लिया, नॉर्मली जो मसाला होता है वही हमने यूज किया है। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला की खुशबू बढ़िया से आ रही है। इसमें हम डालते हैं टोमेटो पूरी। हमने एक टमाटर लिया था बड़े साइज का, इसकी हमने प्यूरी बना दी और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे हम अच्छी तरह से भूनने देते हैं। अभी देखिए खुशबू तो आ रही है, पर ऑयल भी रिलीज हो रहा है। अभी इस तरह से हम चला लेते हैं, देखिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ में डाल रहे हैं कसूरी मेथी। और इसे करेंगे कवर। वापस इसे हम चला लेते हैं, देखिए कितनी बढ़िया से लग रही है। एकदम मस्त। अभी अच्छी तरह से हमने चला दिया है, कुछ सेकंड इस तरह से रखते हैं, उसके बाद हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए अभी गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ। ये देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है। अभी इसे करते हैं सर्व। एकदम बढ़िया सी। देखिए इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से जरूर बनाए बढ़िया सी रेसिपी। वाह, ये देखिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, धन्यवाद। ये देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है, देखिए। खाने का मन हो रहा है ना, तो इस तरह से जरूर बनाए। धन्यवाद।